अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चौधरी ऑटो ट्रेडर एंड वेलकम विद अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको जिस पार्ट के हवाले से इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन दूंगा वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पार्ट तो सिमिलर है इसके हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन जो मैं आज आपको मालूम बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। 660 cc के प्लग्स हैं और बिल्कुल सिंपल से प्लग हैं। अक्सर लोग कह रहे हैं कि ये सिंपल प्लग है, इससे हम अच्छा इरिडियम डालेंगे, लेकिन 660 cc पाकिस्तानी जो जितनी भी गाड़ियाँ वैगनार है पाकिस्तानी, या फिर इसके अलावा 660 cc की अल्टो है 22 मॉडल तक 24 मॉडल तक जितनी भी आ रही हैं लेटेस्ट जो 18 के बाद आई हैं, तो उसमें काफ़ी लोग गलती करते हैं कि डाल लेते हैं इरिडियम के प्लग, जबकि उसमें इरिडियम प्लग बिल्कुल काम नहीं करता। उसमें आपने डालना है सादा प्लग NGKR। अभी आगे जाके मैं आपको वीडियो में प्लग दिखाऊंगा भी कि ये कौन सा प्लग है, और काफ़ी हमारे जो कस्टमर हैं और व्यूअर्स हैं वो ये गलती कर रहे हैं कि वो इसमें इरिडियम के प्लग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इरिडियम के प्लग उसमें बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे और टोटली कंजप्शन आउट हो जाती है, माइलेज बिल्कुल आउट, स्टार्टिंग पिक हर चीज़ डिस्टर्ब। चूँकि एक बहुत छोटा इंजन है 660 cc जो डिज़ाइन हुआ है बहुत ही कॉम्पैक्ट किस्म का, तो उसको अगर आप लगाते हैं हाई पावर इरिडियम प्लग तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता वो इंजन, और कंजम्पशन को वो उल्टा आपकी मज़ीद बढ़ा देता है। तो जो गाड़ी आपको इस वक्त ऑन द एवरेज जो हमारे कस्टमर बता रहे हैं कि 25 की एवरेज जो दे रही है कल्टस, 28 की एवरेज दे रही है, या आल्टो 22 से 25 की एवरेज दे रही है इस वक्त लोकल पे, तो वो गाड़ी कंजम्पशन आउट होके 12, 13, 14 पे आ जाती है। अगर आपने ये गलती की तो आपने इरिडियम के प्लग बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने, आपने इसमें सिंपल NGKR, तो मैं भी आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ कि कौन से प्लग हैं और कौन से आपने यूज़ करने और कौन से आपने यूज़ नहीं करने, तो ये वीडियो में आपके सामने मेंशन भी हो रहा है, ये भी आप चेक करें, और आए चलते हैं प्लग की तरफ। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं जी, ये छोटा सा प्लग है बिल्कुल नॉर्मल प्लग से, इसकी जो चूड़ियाँ हैं काफ़ी कम हैं, छोटी सी हैं और पतला भी है ये। अगर आप इसको ऐसे देखें तो थोड़ा सा ये स्लाइटली 16 वाले इंजन से ये पतला प्लग है जो नॉर्मल होंडा में लग रहा है, यहाँ से ये चूड़ियाँ जो हैं इसकी थोड़ी पतली हैं, ठीक है, और चूड़ियाँ थोड़ी ये कम भी हैं और पतली भी हैं, ठीक है, और ये स्लाइडली ये प्लग थोड़ा सा छोटा भी है लेंथ वाइज, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इसमें आपने चेक करने, इसमें चाइनीज़ प्लग काफ़ी आ चुके हैं, नकल काफ़ी आ चुकी है इसमें डुप्लिकेट, तो आपने चेक कर लेना है GKR6A और NGKR। अच्छा, इसकी आप ये टिप देखें तो ये सिंपल प्लग है, सादा प्लग, इसमें ये पिन जो है बारीक नहीं है, बारीक पिन वाले आप जो गलती कर रहे हैं कस्टमर वो डाल रहे हैं बारीक पिन वाले, हर किसी के माइंड नहीं है कि इरिडियम जो है वो काफ़ी अच्छा हाई पावर प्लग है और उससे कंजम्पशन जो है बेटर होती है, जबकि इस इंजन में 660 cc कल्टस और आल्टो जो आ रही हैं तो उनमें बिल्कुल वो प्लग काम नहीं कर रहा और एवरेज बिल्कुल तबाह कर देगा, तो आपने इसमें अपना सिंपल जो गाड़ी में कंपनी दे रही है NGKR सादा प्लग यह आपने यूज़ करना है। ये जी आप पैकिंग इसकी चेक कर सकते हैं, 10 दानों की पैकिंग होती है इसकी, 10 पीस होते हैं, लेकिन अभी गाड़ी में सिर्फ आएंगे 3 प्लग, तो आपने हमेशा 3 प्लग ही पूरे बदलाने हैं, 1 या 2 प्लग कभी नहीं बदलने। जब भी आप इसको बदलें 15 से 20 हज़ार किलोमीटर की माइलेज है, 20 हज़ार के बाद आपने ये तीनों प्लग आपने कटे इसके चेंज करने, ये आप चेक कर सकते हैं NGKR। तो ये आपने अभी स्क्रीन में चेक किया है जी NGKR प्लग, डिटेल मैंने आपको इसको समझाया, 20,000 किलोमीटर तक इसकी माइलेज आपने लेनी है और इसके बाद आपने इसको रिप्लेस करना है और सेम एज इट इज़ जी प्लग आपने डालना है, और कोशिश ये करिए कि आपने किसी ऑथराइज डीलर से हमेशा परचेजिंग करनी है, क्योंकि अगर आपने ये आउट मार्केट में अगर आपने इसको चेक किया तो मार्केट में इस वक्त आपको 80-90% जो है वो चाइना का प्लग मिलने का ख़तरा है, तो इसलिए आपने हमेशा डीलर से ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है, या चौधरी ऑटो ट्रेडर पेशावर कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी किस्म के भी पार्ट के हवाले से प्लग्स हों या इसके अलावा कोई और आइटम भी हो तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉल कर सकते हैं और हमसे रابطہ कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए हमें इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।